सो हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि मात्र 8 दिन के अंदर दोस्तों मैं एक चैनल बनाया एंड चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट किया एंड दोस्तों मात्र 8 दिन के अंदर चैनल को मोनेटाइज भी करवा लिया। ठीक है, आप लोग देख के थोड़ी सी चौंक गए होंगे, लेकिन हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों ये मैंने किया है एंड आप लोग कैसे कर सकते हो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तब जाकर तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये है एक मेरा चैनल जिसका नाम है बूम कार्टून। ठीक है, ये चैनल जो दोस्तों मैंने 23 जनवरी को खोला था। ठीक है, और आज जो है डेट दोस्तों 31 जनवरी है। ठीक है, एंड ये जो है इन 23 से लेकर 29 तक की गैप की बात किया जाए तो 29 और 23 में मैक्सिमम 8 दिन का गैप है, और 8 दिन के अंदर अभी मेरे चैनल पे 1600 सब्सक्राइबर्स, मतलब 1600 प्लस सब्सक्राइबर्स है वॉच टाइम, भाई 8000 प्लस वॉच टाइम है एंड चैनल मोनेटाइजेशन ऑन भी है, और चैनल पर मात्र 7 वीडियोज है। समझ रहे हो, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड है तो उसको लेके 8। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने कैसे किया, दोस्तों इसके पीछे बहुत ही छोटा सा ट्रिक है एंड ये ट्रिक आप भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि अभी के डेट में बाद में अगर आप लोग वीडियो 1 महीना 2 महीना बाद देख रहे हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आप लोग वो भी बताऊंगा कि आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अभी के डेट में मैं देख रहा था कि वीर द रोबो बॉय एक कार्टून है। ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यू जाते हैं। आप जो है कोई भी वीडियोस बनाते हो, ठीक है, अपने चैनल पे एक वीर द रोबो बॉय का वीडियो बना कर डाल दो 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट का वीडियो डाल दो, देखो डालते ही व्यूज नहीं आएगा, लेकिन 6 से 7 घंटा बाद उस वीडियो पर व्यूज आना आसानी से आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपकी वीडियो लाखों में चल जाए, हो सकता है आपकी वीडियो 10,000-15,000 पे अटक जाए। तो दोस्तों वीर द रोबो बॉय पे अभी के डेट में काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, और मैं इसी को देखते हुए जो है मैंने एक न्यू चैनल को खोला। ठीक है, एंड न्यू चैनल को खोल के भाई मात्र 8 दिन के अंदर उस पर सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट किया, वॉच टाइम भी कंप्लीट किया एंड चैनल को मोनेटाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया, मतलब वो भी ऑन हो गया। ठीक है, आज ये कल मेरे को मैसेज आया था, कल ही मोनेटाइज हो गया था, ये आप स्क्रीन शॉट आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया एंड ये सब आप लोग बोलोगे कि तू जो वीर द रोबो बॉय का वीडियोस बनाता है वो कैसे बनाता है, तो उसके लिए मैं एक एप्स की मदद लेता हूँ जिसका नाम है ड्रो कार्टून टू। ठीक है, ड्रो कार्टून टू काफ़ी लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, तो उसमें बनाते हैं एंड उसमें ना आप लोगों को कैरेक्टर बनाने पड़ता है, जो कि मैंने कैरेक्टर खरीदा हुआ है। ठीक है, वो कैरेक्टर मैंने किसी थर्ड पर्सन से खरीदा हुआ है, तो वो तो अभी मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कैरेक्टर आप लोग बनाना सीख सकते हो। यूट्यूब पे आप लोग लिखोगे ड्रो कार्टून टू में वीर द रोबो बॉय कैसे बनाए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल आ जाएंगे, आप लोग सीख लेना एंड आप लोग भी एक वीर द रोबो बॉय का कार्टून चैनल खोलो एंड आप भी अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूँगा लास्ट में कि दोस्तों आप लोग वीडियोस तो बना लोगे, लेकिन उसमें एक चीज़ गलती कर दोगे जिसके वजह से आपके वीडियोस को जो है वायरल नहीं होगा, मतलब आपकी वीडियो जो है वायरल नहीं होगी। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि दोस्तों आपको ना डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड को डालना है। ठीक है, अब दोस्तों ये सारे कीवर्ड आपको कैसे लेना है, जैसे कि मैं आप लोग बता दूं, कोई भी वीर द रोबो बॉय का आप लोग वीडियो सर्च करना, उसके डिस्क्रिप्शन को ओपन करना, स्क्रीनशॉट लेना, एक एप्स आता है टेक्स्ट स्कैनर, ठीक है, उसमें जाकर उस स्क्रीनशॉट को मतलब डाल देना एंड वो सारे टेक्स्ट निकाल के दे देगा एंड उन सारे टेक्स्ट को अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर पेस्ट कर देना। ठीक है, आपका व्यूज जो है 100% आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये मैं जो है एक चैनल पे मतलब ट्राई नहीं किया हूँ, मेरा एक और चैनल है पीके प्रकाश, जिस पे मैंने वीडियो डाला तो उस पर 1 मिलियन एक वीडियो चला गया है, 1 मिलियन से ज़्यादा, एंड दूसरा वीडियो डाला तो उस पर 1 लाख से ज़्यादा, एंड तीसरा वीडियो डाला हूँ तो वो भी अभी चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब वीडियोज पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग बहुत दिनों से मतलब ट्राई कर रहे हो भाई एक ही कैटेगरी में, आप लोग कैटेगरी वगैरह चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो यार, देखो जो चीज़ चलती है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप इस वीडियो को 2-4 दिन 10 दिन या फिर 20 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना या फिर 1 ईयर बाद में देख रहे हो तो आपको क्या करना है, देखो अभी के डेट में आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है। देखो कोई भी चीज़ है कंपटीशन के अंदर नहीं जाना है, कंपटीशन के अंदर जाओगे आपका चैनल जो है ग्रो नहीं होने वाला है। आप लोग कुछ ऐसे टॉपिक को उठाना है जो कि कंपटीशन बिल्कुल ही लो, देखो वीर द रोबो बॉय भाई जाकर देखोगे ना तो ज़्यादा लोग नहीं है, 20 से 50 लोग होंगे जिनका चैनल चल रही है, अगर आप भी आओगे तो इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका भी उठेगा। अब देखो आपके अपने हिसाब से आपको यूट्यूब पे रेगुलर रहना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सी वीडियोज़ पे चल रही है, कौन सी वीडियो ज़्यादा चल रही है, ब्राउजर चल रही है, सेशन से चल रही है या फिर उसको सर्च से चल रही है, ये सब आपको जो है अनुमान लगाना होगा और उसके हिसाब से आपको वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि अभी मैं जो है फिलहाल इसी मंथ के अंदर दो चैनल को और मोनेटाइज किया है इसी मंथ के अंदर दोस्तों। एक और चैनल इससे पहले मैंने किया था जो कि 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी चीज़ जो है मैंने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो इस पर एक और भी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने जो है 6 चैनल को मोनेटाइज कर रखा है, किस तरह से मैनेज करता हूँ, किस तरह से क्या क्या करना पड़ता है, आप लोग भी कैसे मल्टीपल चैनल चला सकते हो, ठीक है। तो यह जानकारी किसी अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। एंड इस वीडियो में आप लोग यही समझाना चाहता था कि अगर आप एक चैनल बनाए हुए हो, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका चैनल जो है ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप एक कुछ दूसरे कैटेगरी में खोल लो यार, क्या दिखा जाता है। मेरे को भी, मैं आप लोग बात बताऊँ, सबसे पहले मैं टेक वीडियोस बनाया करता था, ठीक है। कुछ दिन जो है लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में मैंने एक डबिंग करके डाल दिया और उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ गए, ठीक है, मिलियंस में व्यूज़ आ गया। तो मैंने भी शिफ्ट कर दिया, मतलब चेंज हो गया भाई, चेंजिंग हो गया। चलो यार, इस टेक्निकल को छोड़ो और अपने जो है डबिंग में आओ, क्योंकि दोस्तों उसमें व्यूज़ आ रहे हैं, तो जिसमें व्यूज़ आएगा ना उसी में काम करो। व्यूज़ आएगा तो पैसा मिलेगा, और व्यूज आएगा तो मन भी लगता है, काम करने में बहुत ज़्यादा भाई मन लगता है। देखो, व्यूज आएगा तो पैसा, और पैसा आएगा तो काम करने में भाई 100% मन लगता है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर भी एक थोड़ी सी मोटिवेशन जगी होगी, एंड आप भी एक न्यू चैनल खोलोगे, एंड आप भी उसको ग्रो कर पाओगे, और मेरे ही जैसे 8 दिन के अंदर आप भी अपने चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।